हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड. आई होप एवरीबडी हैज सॉल्व क्वेश्चंस टिल 49. एंड एज आई हैव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कॉपी पेस्टिंग एंड दे आर सॉल्विंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशंस. नोबडी इज ट्राइंग टू यूज देयर माइंड. सो बेटा, इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. You are in class 12th, you have to think about yourself. This time though you can do from solution, but in the examination you have to do by yourself, na? This time though nobody is going to monitor you, and till now though everybody was scolding you ki you don't cheat, but in your coming life now nobody is going to force you anything. आपका जो मन है आप वो करिए, कोई आपको कुछ मना नहीं करेगा बेटा. बट वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर डूइंग फॉर योर बेस्ट. आपके दिमाग में तो ये चल रहा है मैं हम लोग यहाँ आंसर करके, आंसर गूगल फॉर्म पे गलत कर दोगे यार क्या हो जाएगा? अगर गलत करोगे रिस्पॉन्स चेक हो करके जाएगा. यू विल बी एबल टू नो वॉट इज़ योर मिस्टेक, बट इफ़ यू आर डूइंग फ्रॉम सोल्यूशन देन वॉट इज इट्स यूज़? फर्स्ट टेल मी दिस थिंग. आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट्स एज वी आर टेकिंग देम एज अ गुड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, बट स्टिल दे आर डूइंग दिस लाइक दिस. Then what is the use of this? First tell me. कि बस नाम कमा लोगे टीचर के आगे, हम हाँ भैया बहुत अच्छा काम करने में हैं, तो उससे क्या होगा? There is no gain. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व यार. यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, यू कॉल मी, आई विल टेल यू. मैनी ऑफ योर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आस्किंग प्रॉब्लम्स, सो स्टॉप डूइंग सच रबिश थिंग्स एंड डू बाई योर सेल्फ. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आस्क फ्रॉम मी. ओके, now see, today in this video we will discuss question number 50 and 53 and 52, 54 and 55 will be your homework. Okay, and the question is, Elite Limited invited application from public for 5 lakh equity shares of 10 each, issued at 11 per share. 10 ka tha issue, 11 mein hua. Dekh lijiye yahan pe 1 rupaye premium ho gaya. The money was payable 3 on application, 4 on allotment, including premium. Ab including premium hai तो 3+1 होगा. 3 विल बी द शेयर कैपिटल रेट, मतलब नॉर्मल रेट, एंड 1 विल बी द प्रीमियम. ओके, एंड 4 ऑन कॉल. ओके, सो नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर 6,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. जब भी पब्लिक जो है ज़्यादा शेयर्स की अप्लाई कर लिया कर देती है और नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड होते हैं दैट आर लेस, इन दैट केस देर इज बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन. ओके, नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर वॉज मेड एज फॉलोज, 100% टू द एप्लीकेंट ऑफ 4 लाख. अब देखिए प्रोराटा मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कैसे बनेगा प्रोरेटा, कि 4 लाख जो शेयर्स थे भाई उनको तो फुल दे दिया. देखो 6.5 लाख की एप्लीकेशन आई थी, 50% शेयर्स टू एप्लीकेंट ऑफ 2 लाख शेयर्स. अब 2 लाख जिसने लिए मांगे थे उसको कितना दे दिया गया? 1 लाख. तो 4 लाख इज विल बी हेयर 4 लाख एंड 15 लाख एंड एप्लीकेशन वर सिट फॉर 6 लाख एंड हेयर वी हैव कम्प्लीटेड 6 लाख. बट गवर्नमेंट सॉरी कंपनी ऑफर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 5 लाख शेयर. तो हमने 5 लाख के लिए इशू करा, इन्विटेशन दी थी और हमने 5 लाख अलॉट कर दी है, और पब्लिक ने 6.5 लाख के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट मांगी कि 6.5 लाख शेयर खरीदना चाह रहे हैं. सो रिमेनिंग एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन 50,000 शेयर विल बी रिजेक्टेड. सो इनके आगे क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा. ओके, सो दिस वाज योर प्रोरेटा. नोट डाउन दिस. नाउ सी नेक्स्ट, व्हाट इज अ शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर्स फॉर अलॉटेड अंडर कैटेगरी 1. अंडर कैटेगरी 1 यानी कि जिसको 100% एप्लीकेंट मिली थी, मीन्स 4 लाख को 4 लाख मिले थे ना, 4 लाख को 4 लाख की अलॉटमेंट हुई थी
फुल अलाटमेंट, अलाटेड अंडर कैटेगरी फर्स्ट, पेड फुल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स अलॉन्ग विद अलाटमेंट मनी, ठीक है, वो अलाटमेंट के टाइम पे सारा मनी पे कर देता है, मीन्स ही इज़ पेइंग कॉल्स इन एडवांस। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, अब वहीं पे एक शेयर होल्डर और है, ही इज़ नॉट एबल टू पे कॉल्स मनी, ओके, सो हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, 800 शेयर्स वर रीइशूड एट 5.8 पर शेयर, ओके, तो सर 2 पर शेयर विल बी द लॉस, तो वी विल प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। सी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी विल रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम 6,50,000 शेयर, तो पहली एंट्री तो आपकी आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, देखिए इक्विटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इक्विटी शेयर गिवन थे 9,50,000, 9,50,000, ओके। सेकेंड, नाउ मनी विल बी ट्रांसफर टू व्हाट, शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1950 की आई है, नॉर्मल शेयर कैपिटल कितनी होगी, 30 रुपये रेट, 30 रुपये रेट है, 5 लाख शेयर्स हमने जो इशूड किए थे हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 लाख, ओके। एंड नाओ एप्लीकेशंस टू 4 लाख वर अलॉटेड 1 लाख, तो जो 3 लाख बेटा बचे हैं, ठीक है, 3 लाख बचे थे उनके लिए अलॉटमेंट एडवांस मनी कितना हो जाएगा, 3 लाख, 1 लाख, ओके। सी हियर 100% या 50% टू द एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख, जिन्होंने 2 लाख के लिए अप्लाई करा था उसको 1 लाख ही मिले, तो जो रिमेनिंग 1 लाख का मनी था वो एडवांस जाएगा, तो 1 लाख × 3 तो इट विल बी द 3 लाख, एंड रिमेनिंग 50,000 शेयर वर रिजेक्टेड, सो 50 × 3 1,50,000 विल बी रिफंडेड, ओके, इज इट क्लियर। नाउ वी विल ड्यू अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट विल बी ड्यू, इट इज़ ऑफ 20 लाख, हाउ इट केम, 3 पर शेयर एप्लीकेशन एंड 1 पर शेयर प्रीमियम एंड 5 लाख शेयर्स वर देयर एंड मल्टीप्लाई बाई 4, तो इट विल बी 20 लाख, इज इट क्लियर, टिल हेयर एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम। नाउ सी व्हेन मनी विल रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, सी 2 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस वॉज 2 लाख एंड अलॉटमेंट मनी विल बी 17 लाख, हाउ 17 लाख, सी अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यू 20 लाख, ऑलरेडी रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 3 लाख, माइनस कर देंगे आप बच्चा 17 लाख, प्लस 2 लाख रुपये आपका कॉल्स इन एडवांस है, तो टोटल 17,02,000 यू विल बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ दिस अलॉटमेंट, ओके। नाउ फर्स्ट कॉल विल बी ड्यू एट 4 पर शेयर, जो भी आपका 500-700 शेयर का 500 शेयर का एडवांस गया है वो हम लोग माइनस कर देंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा, और 500 शेयर का 4 रुपये के से 2,000 विल बी द कॉल्स इन एडवांस एंड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 19,95,000, राइट, नाउ 96,000 ही शेयर्स विल बी फॉरफिटेड, तो 500 शेयर्स थे, 20 रुपीज़ पर शेयर से 10,000 हो जाएगा, देर वॉज एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, सो 4,000 एरियर एंड रिमेनिंग 6,000 विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर। नाउ शेयर्स वर रीइशूड एंड देर वॉज लॉस ऑन 2 पर शेयर, तो 800 शेयर्स वर रीइशूड, 88 = 64 एंड 8 = 1,600, ओके। And after that, when shares were reissued, there was a loss, profit on forfeited share, that was 3,200. So it will be transferred to capital reserve. Got it? Till here any problem? Now we will prepare balance sheet. What will occur in balance sheet? See, first of all, though, we have to prepare the format. So format bana lijiye jara. क्या लिखोगे इन द फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टॉप यू हैव टू राइट बैलेंस शीट ऑफ इलाइट लिमिटेड, कोई ईयर नहीं दे रखा है तो एज एट पढ़ करके ऐसे छूट जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल, डोंट राइट दिस रिजर्व एंड सरप्लस ड्रामा, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट राइट सच ऑल द रविश थिंग्स until here you have to prepare format, यहाँ तक ही आपको बनाना है, and don't write share in a column amount in the column of amount, we will calculate issued capital 5 lakh × 10 50 lakh, equity share capital 40, issue subscribed and fully paid up, issued authorized were not given, that is why we have not included, okay, so 14,99,200 and ignore all these things, okay, there is no use of all these things, so 49,92,900 will be the answer, okay,
इन शेयर कैपिटल, हमें उससे मतलब है ये रिजर्व सरप्लस कहीं यूज़ नहीं होंगे। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इट इज सेइंग। क्वेश्चन नंबर 53, सी व्हाट इज गिवन, दिस इज प्रायूज लिमिटेड फोरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10H, तो कितने के हो गए 20,000 के, फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच दे हैव रिसीव्ड 14,000, ओके ओनली रुपीज 14,000, आउट ऑफ दिस 50 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स फॉर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, पास जर्नल एंट्री फॉर द फोरफीचर एंड रीइश्यूड शेयर। देखिए फोरफीचर के लिए आप पास करेंगे तो जिस तरह से फोरफीचर की होती है वैसे आप पास कर लीजिए। सो सी व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री फॉर फोरफीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो, देयर वाज एरियर ऑन 6,000, सो टू शेयर फोरफिटेड शेयर इट विल बी 14,000 फ्रॉम 20 पीपल सब्ट्रैक्टेड। ओके एंड सेकेंड एंट्री अगेन बैंक अकाउंट डेबिट 450 बेटा 50 शेयर्स आर इशूड 99 रुपी पर शेयर, तो 450 टू फोरफिटेड बिकॉज लॉस इज देयर 1 रुपी पर शेयर 500 हेयर। सो नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन ऑफ 50 शेयर, सो 14,000 डिवाइड बाई 2,000 इस तरह से आएगा 300 रुपये, 14,000 इंटू 50 अपॉन 2,000, 5,424 बन जा, ठीक है, और रीइशू 500 का लॉस हो गया है 50 का तो माइनस कर दिया, तो देन इट विल बी 300। ओके इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम इज देयर, नो प्रॉब्लम, यू कैन सी हियर फ्रॉम द वर्किंग नोट फोरफिटेड अमाउंट 2,000, 14,000, ओके एज फोरफिटेड शेयर्स, ओके एंड 350 वाज देयर, 50 लॉस ऑन रीइशू वॉट एवर आई वॉज टेलिंग यू, एंड 300 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। ओके फोरफीचर का आप अमाउंट भी यहाँ बना सकते हो, दिस वाज द फोरफीटर 50, दिस वाज प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड शेयर, एंड दिस वाज द फोरफिटेड शेयर्स अमाउंट 14,000 ऑफ 500 शेयर्स एंड टू बैलेंस एडी, इट विल बी द क्लोजिंग फिगर ऑफ फोरफीचर शेयर अकाउंट। ओके सो नोट डाउन दिस ऑल द क्वेश्चंस इफ एनीबडी इज विलिंग टू नोट। ओके प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस मोर एंड मोर, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। इफ यू आर स्लीपिंग नॉट सॉल्विंग, देन इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो यू हैव टू स्लीप, यू विल बी हैव 3 hours। ओके एंड आफ्टर द रिजल्ट वॉट एवर यू हैव स्लीपिंग दैट विल बी वेस्टेड। ओके सो डू इट वेरी केयरफुली, do all the things. Thank you students, bye, take care.